तो मेरे पास है ये पल्सर 150, ठीक है। ऐसा देखो, इतना ज़्यादा लीकेज है। चालू कर गाड़ी। आवाज़ सुन लो, देखो इधर भी लीकेज है, तो भेजते हैं सब वॉशिंग में, फिर करते हैं। तो देखो पल्सर हमारी वॉशिंग होके आ गई है, ठीक है। खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखो पल्सर का, ये देखो ऐसा पिस्टन भी सीज है, ये देखो इधर से भी सीज है, दोनों जगह से। ये रहा इसका ब्लॉक, ठीक है। लाइट का कनेक्शन मत करो, बहुत ही बुरी तरीके से सीज है, ठीक है। और इस तरफ से भी सीज है, तो देखो हमने नया इसको बोर करवा लिया है, ठीक है। इसे फिनिशिंग देख लो, ठीक है। और क्या करवाए हैं, इसके दोनों वॉल नए लगवा चुके हैं, ठीक है। और क्या क्या डाल रहा हूँ वो भी दिखाए, तो ये स्टड डाल रहा है, ठीक है। ये दोनों वॉल हो गए, गाइड और ये हमारे हेड की ओरिंग हो गई, ठीक है। जैसे कैमशाफ्ट का वो हो गया ढक्कन, और ये वॉल सील हो गया, और टाइमिंग चेन हो गई, ठीक है। तो इतने चीज इसमें नए लग रहे हैं, तो चलो करते हैं फिटिंग। तो भाई ये रहा जैसा पुराना वाला पिस्टन, देख सकते हो इसकी कंडीशन, ठीक है। देखो उषा का पिस्टन डाल रहा है, ये रहा डब्बा, ठीक है। अब देखो इसमें भी उषा ही निकलता है ऐसा, तो ये देखो उषा लिखा हुआ, ठीक है। तो चलो पिस्टन रिंग में फिट करते हैं। तो जो फर्स्ट रिंग का कट है ना, फर्स्ट रिंग का कट यहाँ रखा है मैंने, सेकंड रिंग का कट यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, नीचे से बता रहा हूँ, थर्ड रिंग का यहाँ पे है, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड रिंग के लिए, सेकंड रिंग का कट ये है, ठीक है। फिर आते हैं, फिर ये रहा ये टॉप रिंग का कट होगा, ठीक है। तो रिंग हमारी कंप्लीट हो गई, बैठाते हैं पिस्टन, ठीक है। तो देखो ये वाली गाइड बैठा चुके हैं, ठीक है। बैठाते हैं वाली पैकिंग, जब बैठ गई है, ठीक है। अब रखते हैं इसका हेड, स्प्रिंग स्प्रिंग लगा चुके हैं, ठीक है। वॉल भी नया है, गाइड वाइड भी काम करवा चुके हैं, ठीक है। तो करते हैं फिट, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ना ऐसे दो ईयरिंग लगते हैं, ठीक है, स्लीव के अंदर। एक लगता है इसके पीछे और एक लगता है ये पुराने हैं, ठीक है। हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं, ये देखो ये रहा पार्ट नंबर, ठीक है। इसमें ऊपर के दोनों रॉकर के ढक्कन के ओरिंग और ये दोनों के, ये इसको बोलते हैं स्पार्क प्लग के, स्लीव में लगता है, ठीक है। तो ये रहे नए, ठीक है, इसे इंस्टॉल करते हैं।
मैं लगा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ मैं। तो देखो दोनों रिंग बैठा चुके हैं, दिखाता हूँ। ये देखो पीछे पे, और एक ये यहीं पे लग गया, ठीक है। फिर दोनों रिंग लग गई है, एक यहाँ लगी है और एक इसे देखे इधर पे, देखो ब्लैक ब्लैक दिख रही होगी, ठीक है। तो देखो पल्सर की टाइमिंग दिखाए तो ये देखो, ये वाला की लकीर और ये वाला लकीर एक सीध में होना चाहिए, और ये चीज और ये चीज, और ये की ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, लेवल पे, ठीक है। ये देखो बराबर आ गया, ये देखो ये भी लकीर पे एकदम बराबर आ गया। ये देखो ये लकीर और ये लकीर सील में। तो ये सीजर गियर का पुलर है, ठीक है, ये स्पेशल टूल है। अब इसको इसमें ऐसे बैठा लेंगे, ये बैठ गया, ठीक है। इसको इस तरफ निकालेंगे, जिस तरफ ये घूम रहा होगा ना आसानी से देखे इस तरफ नहीं जा रहा है, इसको इधर दो खांचा इधर लेंगे, दिखा इधर दिखा पास दिखा। तो देखो अब ये एक हो गया, ये दो हो गया, इसको पीछे ले लेंगे, ठीक है। फिर इस तरफ आएंगे, फिर जैसे ये है एक हो गया, ये दो हो गया, ये फिट हो गया। अब इसे इंजन में लगाते हैं, स्टॉप। तो यहाँ एक वॉशर लगेगा, ठीक है, और इसे तो पहला चौक में हो गया। नहीं तो देखो ये वाला डॉट या डॉट की जगह यहाँ लकीर भी हो सकता है, वो यहाँ पे रहेगा और सीजर गियर फंस चुका है। और ये देखो ये टाइमिंग गियर, ठीक है। अब वहां क्लच कटोरा इसके अंदर आ जाए, तो ये रहा क्लच कटोरा, ठीक है। ये गियर भी रोकता है, ये गियर हो गया प्लस ये वाला गियर, ये देखो ये जो गियर है ना ये भी पीछे रोकता है। तो इसको ये रोक रहा है, आ गया। तो देखो ऐसा और सार होगा जैसे मैं टेपर रहेगा, ठीक है, टेपर वाला भाग इसमें फंसेगा, ठीक है। तो ये क्लच हमारा बैठ जाएगा, तो नहीं बैठेगा, अगर मान लो नहीं बैठता है तो थोड़ा सा इसको और घुमा लेंगे, ये भी नहीं बैठ रहा, चलो शाफ्ट को घुमा लेंगे। देखो बैठ, तो देखो बैठ गया ये, ठीक है। तो देखो ये सर सेंट्रिफ्यूगल ऑयल फिल्टर है, ले जाएगा इधर, देखो इसमें लकीर है ना ये उल्टी चूड़ी का है, ठीक है। तो इसको लगा देंगे, ये हमारे उल्टी चूड़ी का नट हो गया। फिर हमारे ये बच जाता है ये दोनों, ठीक है। ये वाला वॉशर ऐसे लगेगा, ठीक है। ये इसके सीजर गियर का वॉशर है, ठीक है। फिर ये लगेगा, ऐसे छोटे नट होंगे इधर और इधर, डावेल इधर और इधर डावेल भी लगते हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखें। मैं कर लेता हूँ टाइट।
तो भाई हम न्यूमैटिक गन की मदद से चेक करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया टाइट, ये टाइट हो गया। फिर मैं दिखाता हूँ आगे, अब बस क्लच कवर का पैकिंग लगाना रह गया। तो वैसे किक शाफ्ट में एक वॉशर लगेगी, ये देखो, ये इधर जाएगी, ठीक है। इसका पैकिंग लग चुकी है, इसे क्लीनिंग कर चुके हैं, ठीक है। बस स्क्रू से इसको टाइट करना है, फिर लगाते हैं ऐसा क्लच कवर। तो इसे कर चुके हैं टाइट, ठीक है। अब पैकिंग लगाना रह गया, तो पैकिंग फंसा चुके हैं, ठीक है। अब लगाना है ऐसा कवर, और यहाँ जाएगा ये वाला बैरिंग, ठीक है। वही लगेगा ऐसे ही ना, ऐसे लगाने से यहाँ टकराने लगेगा। तो ये बैठ गया, ठीक है। अब लगाते हैं ऐसा कवर। तो देखो क्लीन कर चुके हैं, सारा पैकिंग छुड़ा चुके हैं, अब लगाते हैं इसको। तो देखो बैठ गया हमारा क्लच कवर, ठीक है। लगाते हैं इसके बोल्ट और ये वाला चीज, ये लगेगा यहाँ, ठीक है। तो पल्सर का इंजन कर चुके हैं कंप्लीट, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी आवाज सुना देता हूँ, ठीक है। तो भेजते हैं सब वॉशिंग के लिए।